अच्छे से पूजा हो रही है, तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ अभी शेयर करूंगी। जब मैं नीचे जाऊंगी तो आप देखोगे वीडियो में आगे कि कैसे हमारे सोसाइटी में जन्माष्टमी की पूजा हुई। और उधर देख सकते हो मेरी बेटी बैठी है, उसने कान्हा जी के लिए कार्ड भी बनाया है। डुकु इधर आओ, अपना कार्ड दिखाओ बेटा। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, आरवी ने कार्ड बनाया है। क्या लिखा है बेटा, खोलो इसको, ओपन करो। हैप्पी जन्माष्टमी कान्हा। देखिए इसने क्या लिखा है, हैप्पी जन्माष्टमी कान्हा जी, ऑलवेज स्टे विथ अस एज यू आर आवर पार्ट ऑफ फैमिली। बच्चे भी ना इतने एक्साइटेड होते हैं ना, चाहे अपना बर्थडे हो या कान्हा जी का। तो मेरी बेटी भी बहुत एक्साइटेड है और आज सोसाइटी में हम लोग नीचे जाने वाले हैं। एक्चुअली ये मेरा पहला जन्माष्टमी जो मैं इस सोसाइटी में सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हुई है। तो मुझे पता है कि पूजा भी काफ़ी अच्छे से होगी, क्योंकि हर फंक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होता है। तो हम नीचे जाएंगे तो उसकी वीडियो में मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। खुश ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। अभी एक और थोड़ा सा मैं चाह रहा था, अरुणा जी हमारे भजन पेश करना चाह रहे थे। अरुणा जी तो गाइस जन्माष्टमी की पूजा से मैं घर आ चुकी हूँ और रियली बहुत अच्छा लगा नीचे जाकर। और आज जन्माष्टमी की पूजा में ये पता चला कि हमारी सोसाइटी में कितने टैलेंटेड टैलेंटेड लोग रहते हैं। बच्चे बड़े सभी में टैलेंट भरा है, सबने इतने अच्छे से गाना गाया, इतना अच्छा से डांस किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब जब से मैं इस सोसाइटी में आई, पहली बार मैंने जन्माष्टमी की पूजा अटेंड करी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो। किसी कारणवश मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मोबाइल मेरे पास था नहीं, तो ये जिसने सब शूट किया था, सबसे थोड़ी थोड़ी क्लिप लेकर मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और होप करती हूँ कि आपको ये जन्माष्टमी का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।